चलते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान रखने वाले विशेष पर्व हरियाली तीज पर बीरू सरपंच ने एक ही स्थान पर कई हजारों महिलाएं जोड़कर इतिहास रच दिया है। वीरू सरपंच ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज बड़ा सुखद संयोग है, सावन का पवित्र मास है, गुरु द्रोण की नगरी में महिलाओं, बेटियों और बहनों के पावन त्योहार तीज का अवसर है। उन्होंने प्रदेशवासियों को हरियाली व खुशहाली के प्रतीक तीज के पावन पर्व की हार्दिक बधाइयां व शुभकामनाएं दी। आपको बता दें वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वीरू सरपंच ने कहा कि गरीब व असहाय की मदद वह करेंगे, जनता का अगर साथ रहा तब वह चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अगर जनता इनको विधायक बनाती है तो वह गरीबों के हित की और जनहित के मुद्दे हमेशा उठाते रहेंगे। गुरुग्राम से सतबीर शर्मा की रिपोर्ट। जितनी जो बहने आई हैं, ये तकरीबन बहने हैं, भाई तो थोड़े बहुत हैं, दो चार कई सारी बहने हैं, तो मैं इनको यहाँ पहुँचने पर अपनी तरफ से बधाई भी देता ही। मैं यहाँ पहुँच मेरे परिवार को सामाजिक न्याय संगठन के पूरे सरपंच आपके साथ हैं और लगता है इस बार पार जाएगी। देखो, सामाजिक न्याय संगठन निरंतर लगातार जो समस्याएं हैं गुड़गांव की, उनके ऊपर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और उन पर लड़ाई करने का ये आप देख लो, उसकी वजह से ये सारी की सारी हर जगह से जो लोग मेरी जो माता पोची जो बहने पोची है, ये उसी का नतीजा है। सामाजिक संगठन इनकी आवाज उठाने का काम